बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के सभी विधान अनूठे हैं। यहाँ रावण का दहन नहीं होता बल्कि रथ की परिक्रमा कराई जाती है। शारदीय नवरात्रि के शुरुआती 5-6 दिनों तक चार पहियों वाले फूल रथ की परिक्रमा होती है। यहाँ विजयादशमी तक विजय रथ की परिक्रमा कराने की परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। बस्तर के इतिहास के अनुसार यह विधान करीब 600 साल पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार घट रही आदिवासियों की संख्या समाज प्रमुखों, बुद्धिजीवियों और राज परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सरकारीकरण हो गया दशहरा, जो उल्लास के साथ मनाया जाता था, जितना भक्ति भाव से माता के प्रति जो श्रद्धा थी, भक्ति भाव था, समस्त ग्रामीण वनवासी अंचल में स्वयं होकर के आते थे। माता की छत्री पकड़ना, माता के लिए काम करना, ये स्वयं होकर के धर्म धर्म के लिए धर्म प्राण होकर के वो आते थे। परंतु आज स्थिति ऐसी बन गई है कि कुल मिला करके शासन प्रशासन उनका शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं और शोषण करते हैं। इसके कारण से वनवासी बंधु अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। धर्मांतरण तो बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए भी ईसाई जितने जो ईसाई बनते जा रहे हैं उनको उस उत्सव से कोई लेना देना नहीं। हमारे देवी देवता से लेकर के किसी भी प्रकार के उत्सव त्यौहार परंपरा ये सबसे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको मना करते हैं, गाँव में भी मना करते हैं, लेकिन पहली बात जिम्मेदार हम हैं। हम धर्मांतरण हो रहा है, अबाध गति से धर्मांतरण हो रहा है, इसका उसके लिए जवाबदार जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम हिंदू समाज भी स्वयं हैं। बस्तर दशहरा उत्सव में अब लगातार आदिवासियों की मौजूदगी घटती जा रही है। बस्तर के राजकुमार और आदिवासी समाज के प्रमुख आदिवासियों की घटती संख्या की वजह दशहरा में तेजी से सरकारीकरण के साथ साथ बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को बता रहे हैं। कि पहले ये नेवता दिया जाता था, आज कहीं ना कहीं ये एक चीज़ें आ रही है, उसके भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सरकारीकरण के बाद प्रवीर महाराज के मृत्यु के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना धीरे धीरे छोड़ दिए हैं, और बहुत सारे देवी देवता नहीं आते, क्योंकि देवी देवता आने के बाद ही पूरे गाँव के लोग आते हैं साथ में, क्योंकि देवी के साथ लोग आते थे। तो आज भी वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और कोविड महामारी कारण भी एक दिक्कत है कि उन जैसा 2020 में अपने साथ दिक्कत आई, 2021 में भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल लगा हुआ है। कोशिश हमारी ज़्यादा है कि अगले साल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम राज परिवार के खुद ही नेतृत्व करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो मुद्दा जरूर है, बस्तर संभाग में इसका विषय उठ रहा है, पर कहीं ना कहीं हम भी प्रयास में हैं कि ये सब रुका जाए। और क्योंकि आज पंचायतों के पास इतना अच्छे रूल्स मिल गए हैं कि अगर पंचायत में चाहे तो कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति वहाँ नहीं आ सकता। अगर इसको हम लोग कोशिश करें कि जितने भी सरपंच हैं वो मिलकर अगर ये निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समुदाय इस धर्मांतरण से बच पाएगी। समाज के लोग बताते हैं कि इस उत्सव के लिए लोग साल भर से पहले तैयारी करते थे, लेकिन अब ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तो तय है, जब से बस्तर दशहरा सरकारीकरण हुआ है तब से लोगों का झुकाव कम होते गया है। आज पहले क्या है, गांव के लोग बहुत ही उस साल भर तैयारी करके आते थे, आज ऐसा देखा नहीं जाता। अब आते भी हैं तो खाली देखते हैं कि जाते का सिर्फ मुंह देख करके चले जाते हैं, इसलिए भी लोगों में झुकाव नहीं है। और आज की जो स्थिति है दशहरा के नाम से करोड़ रुपए पैसा आता है और उसको बंदर बांट करते हैं, और वहाँ का जो रस्म रिवाज है उसको भी पूरा तरह से नहीं निभाते हैं। तो गाँव वाले पहले आते थे, अपनी स्वेच्छा से आते थे, अपना चंदा बूढ़ी करके आते थे, अपनी देवी देवता के साथ पूरे गांव के गांव आते थे, और यहां पर जितना दिन रुकना है उतना दिन वहां रुकते थे। आज वो स्थिति नहीं है, अब शहर के ही लोग अभी जूता चप्पल पहन करके खींच रहे हैं, जबकि गांव वाले आते थे बड़ी सुरक्षा से बिना चप्पल पहने खींचते थे। अभी आज ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब इसी कारण है कि जो आज गाँव वाले नहीं आते हैं तो शहर के लोग खींचते हैं, अब वो शहर के लोग ठेके में खींचते हैं, उनको रोजी दिया जाता है तब खींचते हैं। इसमें सरकारीकरण और राजनीतिकरण दोनों ही नहीं होना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बस्तर के ग्रामीण इलाकों में मिशनरियां काफी सक्रिय हैं। धर्मांतरण के कारण अब इस उत्सव में पहले की अपेक्षा महज 15% ही लोगों की आमद रह गई है।
कि ये बहुत गंभीर विषय है कि मिशनरियाँ जो हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर सक्रिय है बस्तर में, उन क्षेत्रों में, उन आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर गरीबी है, अशिक्षा है ख़ास तौर से। आपने जो एक बात उठाई है वो बात सही है कि आज इस पर्व में जो अपन देखते थे, इसके पहले जो मैंने 40 साल पुराना दशहरा भी देखा है यहाँ पर और आज का भी देख रहा हूँ मैं, तो आज के पिछले की तुलना में आज 15% भीड़ रह गई है। आस्था कम नहीं हुई है, लेकिन ये धर्मांतरण जो हुआ है आज गांव-गांव में, हिंदू संस्कृति और बस्तर की संस्कृति से पृथक किया गया समुदाय के लोगों को, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है इस दशहरे के जो पर्व की जो महानता थी या जो विशालता थी उसको, जो आज हम उसमें काफ़ी कमी देख रहे हैं, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण धर्मांतरण भी। और ये तो होता रहा है, लंबे समय से होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि इन सब को रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो मैं सोचता हूँ उससे कि अपन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अवैध तरीके से कहीं धर्मांतरण हो रहा है गरीबी का फायदा उठाकर, शिक्षा का फायदा उठाकर, चिकित्सा लाभ देने का फायदा उठाकर, तो उनको रोकना चाहिए। बहरहाल इस पौराणिक विरासत को बचाए रखने की जद्दोजहद जारी है, जबकि इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में घटती आदिवासियों की संख्या चिंता का सबब है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर समय रहते इसके सरकारीकरण पर रोक लगाने और धर्मांतरण रोकने को जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में यह बस्तर दशहरा पर्व महज यादें बन जाएगा। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, बस्तर।